तो गाइस आज GTA 5 में हम लोग एक सीक्रेट मिलियनेयर बंकर से वहां की सारी सुपर कार्स को कलेक्ट करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जो ये बंकर है वो भाई ये सामने वाले ऑब्जर्वेटरी के पास है एंड यहां पे मेरे पास ये स्कोप वाला गन है। तो वो देखो गाइस, यहां पे देख सकते हो कितने सारे गार्ड्स लगे हुए हैं। तो यही वो बंकर है जिसमें है भाई एक से एक मिलियनेयर सुपर कार्स। तो चलो भाई, सबसे पहले हम अपनी गन को अंदर रखते हैं और मेरे ख्याल से ना अगर हम लोग सामने से गए तब तो भाई हमारी खैर नहीं। हम लोग यार सबसे पहले धीरे धीरे एक नॉर्मल आदमी की तरह इधर पैदल चलते हैं और मेरे दिमाग में एक मस्त सा आइडिया चल रहा है। हम लोग आराम से चलेंगे और पीछे से जाके बस देखते जाओ हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग भाई इस वाले गेट को यहाँ से पार करते हैं और चलते हैं इसके छत पे एंड हमारे पास स्टिकी बॉम्ब है। अब देखो भाई यहाँ पे हम लोग छत पे आ चुके हैं एंड एक स्टिकी बॉम्ब से हम लोग यहाँ के सारे पुलिस वाले को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे भाई पीछे हम लोग आ चुके हैं एंड इस पे मुझे चढ़ जाना चाहिए क्या? चलो भाई इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं एंड अब हम लोग यहाँ से फेंकते हैं इस स्टिकी बॉम्ब को एंड ये फेंक दिया और फटाफट इसे चला दो। और भाई साहब सारे गार्ड्स मर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से उतर सकते हैं और जा सकते हैं चुपके से उस वाले बंकर में। चलो फ्रैंकलिन जल्दी इसके अंदर चलते हैं। और गाइस हम लोग आ चुके हैं इस गैराज में एंड ये देख सकते हो भाई यहाँ पे क्या ही मस्त कार्स हैं। गाइस यहाँ पे ये एक मॉन्स्टर कार एंड ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं यार, इसके अंदर एक भी गार्ड नहीं है या कोई आदमी भी नहीं है। तो चलो भाई फटाफट हम लोग एक एक करके यहाँ से सारी कार्स को लेके निकलते हैं। ये तो भाई मेरे को एक मैक्लेरन लग रही है, लेकिन भाई मुझे मस्त लग रही है सबसे ज्यादा ये वाली मॉन्स्टर कार। तो चलो हम लोग इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं और भाई देख सकते हो पता नहीं कहाँ का इस पे फ्लैग लगा हुआ है, लेकिन बाहर निकालते हैं एंड फिर देखते हैं इसका लुक। और गाइस हम लोग यार इसे लेके आ गए हैं, लेकिन ये क्या भाई, हम लोग ये अलग से पार्किंग में कैसे निकले? वही भाई मैं सोच रहा था यार कि ये अंडरग्राउंड पार्किंग है तो निकलेंगे कैसे, लेकिन शायद से भाई कुछ ऐसा जादू हुआ जिससे कि हम लोग किसी दूसरे पार्किंग से निकल गए हैं। लेकिन भाई इस कार को एक बार देखो यार, ऊपर का हिस्से तो काफी ज्यादा छोटा सा है लेकिन भाई इसके व्हील्स इतने ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो चलो भाई इसे हम लोग अब फटाफट अपने घर पे रखते हैं ले चल के। तो गाइस हमने यहाँ पे इस सबसे पहली कार को ले आ दिया है एंड गाइस इसमें दो ही सीट्स हैं। यहाँ देखो भाई सिर्फ आगे ये बैठ सकता है और इसके साथ इसका छोटा दोस्त चॉप बैठ सकता है। तो चलो भाई इसे हम लोग इस जगह पे लगा देते हैं एंड मेरे ख्याल से ये जगह बिल्कुल ही सही है। और अब भाई फ्रैंकलिन इस पे से तुम उतर जाओ एंड ये देखो भाई मेरे को लगता है ना जितने भाई साइज इसके टायर्स के है ना चारों मिला देंगे तो इसके ऊपर वाले हिस्से के बराबर होगा। तो चलो यार अब निकलते हैं हम लोग नेक्स्ट कार को लेने। उससे पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो पर लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस हम लोग फिर से आ चुके हैं इसी ऑब्जर्वेटरी पे। अब देखते हैं भाई यहाँ कहीं आ तो नहीं गया कोई एंड गाइस इधर तो यार पुलिस की कार दिखाई दे रही है। सेट यार ये हमारे लिए दिक्कत हो गया है क्योंकि अभी तो हमें ये पहचान नहीं रहे तो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो हम लोग सिंपली अपनी बाइक को यहाँ लगा देते हैं और भाई बस ये सोचो यार कि हमें यहाँ पे कोई पहचान न ले, क्योंकि गाइस यहाँ पे कुछ लोग तो थे पहले से जो हो सकता है भाई हमारे बारे में इनसे बता सकते हैं। तो हम लोग यार थोड़ा संभल के ही चलते हैं। वैसे हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं यार ताकि हम लोग इन गाड़ियों को यहाँ से हटा पाएं और इन लोगों को। एक मिनट यार, मेरे पास RPG है। तो हम लोग भाई अपना RPG गन निकालते हैं और अब मेरे ख्याल से भाई इससे हम लोग इन सब लोगों को मार सकते हैं। तो चलो फ्रैंकलिन यहीं पे 3, 2, 1 और भाई यहाँ पे ये हमने चला दिया है एंड अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं, जल्दी फ्रैंकलिन। तो भाई यहाँ पे हमने लगभग सारे लोगों को मार दिया एंड देख सकते हो यार सारे मारे जा चुके हैं एंड भाई यार अब हमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो चलो सबसे पहले तो इसके अंदर चलते हैं एंड गाइस गैराज में तो हम लोग आ चुके हैं यार, लेकिन मुझे लगता है बाहर निकलना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले तो भाई इस वाली हम लोग जीप रैंगलर को यहाँ से लेके निकलते हैं बाहर। यार मेरे ख्याल से यार 5-star पुलिस तो होगी ही। तो चलो भाई यहाँ से सबसे पहले निकलते हैं बाहर एंड देखो यार मैंने कहा था ना हमारे ऊपर 5-star होगी, 5 नहीं बल्कि भाई 4-star तो लगी हुई है, लेकिन हमें बहुत बच के निकलना पड़ेगा। भाई हम क्या करते हैं यहाँ से सीधे इस वाली गली में निकल जाते हैं और आसपास अभी कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ओ नो सेट यार इधर रास्ता बंद है। फ्रैंकलिन जल्दी घुमाओ यहाँ से, तुम्हें भाई जल्दी यहाँ से निकलना है। अबे यार ये क्या हो गया, मैंने लगता है गलत रास्ता चूज कर लिया।
जल्दी से हम लोग इस तरफ निकलते हैं, इधर से ट्राइड घूमते हैं। गाइस मुझे कहीं तो जाके छुपना होगा, तभी हम लोग गाइस इन लोगों से बच पाएंगे। और भाई ये लोग तो यार आगे वाला शीशा भी तोड़ दिए हैं, जिससे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग भाई इस तरफ छुप जाते हैं। ये लोकेशन मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेगा यार, इसके नीचे हम लोग थोड़ी देर अंदर चले जाते हैं एंड यहाँ वेट करते हैं। पुलिस वाला यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। और गाइस थोड़ी देर में देख सकते हो ये पुलिस वाले सारे जा चुके हैं। और भाई साहब यार इसने थोड़ी सी हमारी कार को डैमेज कर दिया। चलो यार कोई नहीं, हम लोग इसे बनवा लेंगे। अभी के लिए हम लोग फटाफट इसे ले चलते हैं अपने घर पे रखते हैं। तो ये गाइस हमने ले आ दी है अपनी सेकंड सुपर कार को। अब इसे भी भाई यहीं पे लगाते हैं। एंड गाइस देख सकते हो यार दोनों ही मॉन्स्टर कार है यार, क्या ही मस्त लग रही है। बस इसका यार थोड़ा आगे का ये शीशा क्रैक कर गया है। चलो भाई अब यहाँ से उतर जाओ फ्रैंकलिन। एंड देखो भाई क्या ऊंची ऊंची कार से यहाँ फ्रैंकलिन को भाई यहाँ पे एक दो गोली लग गई है। चलो भाई कोई बात नहीं, अब निकलते हैं हम लोग तीसरी कार को लेने। एंड तीसरी को लेना यार और मुश्किल होने वाला है। और गाइस हम लोग फिर से आ चुके हैं इस बंकर के पास, लेकिन यहाँ इस बार कोई है नहीं यार। गाइस ऐसा तो नहीं यार बंकर के अंदर कोई हो। फ्रैंकलिन सबसे पहले तो तुम यहाँ पे गन निकाल लो और अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो चलो यार एकदम सावधानी से हम लोग अंदर चलते हैं। एंड फ्रैंकलिन बड़ी आराम से, अभी यार एक बंदा यहाँ पे है, चलो यार इसे हम लोग मार देते हैं। एंड ये गया, अब शायद से और कोई नहीं होना चाहिए। और गाइस यहाँ तो और भी लोग हैं। सेठ फ्रैंकलिन जल्दी 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 अपनी गन रिलोड करो यार। एंड भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे कई सारे गार्ड्स आए हैं। भाई ये सब कब यहाँ पे घुस गए, शायद से यार अब सारे खत्म हो चुके हैं। एंड गाइस अब देख सकते हो हमने सारे लोगों को मार दिया है। चलो भाई अब हम लोग इस वाली सुपर कार को यहाँ से लेकर निकलते हैं। क्या बात है यार हमारे पास ये आ चुकी है एंड ये बंदा अभी तक बचा हुआ है। रुको इसे तो मैं भाई ना घूसे मार मार के मारूंगा। लो अब देखो भाई ये अब उठने की हालत में नहीं है। तो चलो भाई अब हम लोग लेके जा सकते हैं इस शानदार सी सुपर कार को। एंड गाइस यार ये कौन सी कार है पता नहीं नाम, लेकिन देखने में बड़ी ही कूल है। एंड ये हमारी तीसरी कार भी आ चुकी है। एंड इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है यार पता नहीं मुझे, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना ये ऊपर क्या लगा रहता है। और भाई इस बार देख सकते हो कि हमारे ऊपर किसी भी स्टार का पुलिस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि गाइस हम लोग जितनी भी तबाही की है वो सब यार गैराज के अंदर किए और भाई बाहर किसी को भनक भी नहीं हुई। तो चलो यार अब हम लोग इसे भी लगाते हैं उन दोनों कार्स के साथ। एंड गाइस ये आ गई हमारी तीसरी कार भी घर पे। एंड अब बस भाई दो कार्स और रह गई हैं, तो इसे हम लोग कहाँ लगाएं यार, इतनी बड़ी बड़ी मॉन्स्टर व्हील्स हैं इन सब की जगह ही नहीं बचा है। तो चलो हम लोग इसे यहाँ पे लगा देते हैं। एंड गाइस इस अपनी कबाड़ वाली कार को यहाँ से हटा देंगे। तो चलो भाई अब निकलते हैं हम लोग यार चौथी कार को लेने। इस बार इस डायमंड कार को लेके चलते हैं। ये भाई देख सकते हो बड़ी ही नॉर्मल सी ये देखने में, लेकिन इसके पीछे देखो ये है खतरनाक चीज। भाई इसे जब हम लोग यहाँ पे चलाएंगे तो इसका तो कबाड़ा हो जाएगा, लेकिन चला के देखते हैं कि इस कमरे का क्या होता है। तो 3, 2, 1 और भाई साहब यहाँ पे फ्रैंकलिन ही बाहर निकल गया। चलो यार दोबारा से हम लोग बैठते हैं एंड इसे अब हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये आ गई हमारी डायमंड कार भी एंड इसका बूस्टर चलाना है यार मुझे। तो 3, 2, 1 एंड देखो क्या मस्त बूस्टर्स हैं यार, कितने ज़्यादा तेज हैं। और लो भाई यहाँ पे हमने उद्घाटन भी कर दिया थोड़ा सा खरोंच मार के। तो चलो यार इसे अब चुपचाप रख देते हैं, इसका हम लोग बूस्टर टेस्ट नहीं करते हैं। एंड ये आ गई हमारी फोर्थ कार घर पे एंड यहाँ पे बूस्टर्स हम लोग चला सकते हैं क्योंकि ये तो हमारा इलाका है। एंड देखो यार कितनी ज़्यादा तेज गई। एंड ये क्या हुआ यार, भाई ये क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे ये आधी कार हमारे पास है आधी उधर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई ये क्या हुआ है। चलो यार हम लोग इसे यहाँ लगाते हैं, जब बनवाने जाएंगे तब इसे देखेंगे कि इसका क्या पुर्जा निकल गया। तो चलो भाई इस जगह पे हमने इसे पार्क कर दिया है, थोड़ा सा कबाड़ा कर दिया। कोई बात नहीं भाई हमारे पास आ चुकी है चार कार्स और अब बस एक मैक्लेरन रह गई है जो कि भाई सबसे बेस्ट कार थी। तो हम लोग गाइस फिर से आ चुके हैं एंड ये क्या भाई यहाँ पे ये मैक्लेरन बाहर खड़ी हुई है। भाई लगता है कि इसे ये लोग यहाँ से ले जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं है।
बस एक ये ड्राइवर है जो कि इसके नीचे लगा हुआ है काम में। अब भाई इसे तो कुछ पता चल नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसे खत्म करते हैं एंड ले चलते हैं इस मैक्लेरन को। और भाई साहब हमारे पास ये मैक्लेरन भी आ चुकी है फाइनली गाइस, हमने यहाँ पे सारी कार्स को ले लिया। भाई जब हम लोग उनके हाथ से कार्स को लेके आ सकते हैं तो भाई ये ड्राइवर क्या है। तो गाइस इस लास्ट मैक्लेरन सुपर कार को भी हमने ले आ दिया है घर पे, एंड इतनी ज्यादा भाई ये स्लिप हो रही है यार, इसे हम लोग कैसे ड्राइव करें। लेकिन इसका आप लोग इंटीरियर देखो, इंटीरियर मस्त लग रहा है यार, एकदम सुपर कार वाला फील। वैसे सुपर कार तो गाइस ये है ही, तो हम लोग गाइस इसे यहाँ लगा देते हैं। अब भाई सारी तरीके की कार्स हमारे पास आ चुकी है यार, मॉन्स्टर कार, बूस्टर्स वाली कार, जो हम मस्त कलेक्शन हो चुका है। तो चलो भाई अब आप लोग बताओ इन सब में से आपको सबसे अच्छी कार कौन सी लगी है। हम लोग अब मिलते हैं ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप प्लेइंग।